हेलो गाइस, दिस इज आदित्य शर्मा एंड यू आर वाचिंग न्यू एरा। दोस्तों, लास्ट टाइम तक हम टिश्यू सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट एनाटॉमी का। यहाँ से ऐसा कोई भी साल ऐसा नहीं जाता जब यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए, और लोग गलत कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब माइन्यूट सी डिफरेंसेस हैं। जो डिफरेंसेस आपको जब पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप अलग अलग नहीं कर पाते और आपको समझ नहीं आता क्या हुआ ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो हम मतलब बेसिकली डिफरेंशिएट मतलब टेबुलर फॉर्म में और चार्ट फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं, आपको बेसिकली जो मैंने लेयरिंग बताई थी वही लेयरिंग लिखी हुई है। अब ये लेयरिंग के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि मोनोकॉट में कैसी होती है, डाइकॉट में कैसी होती है, स्टेम में, रूट में, लीफ में और वुड के फॉर्म में जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो आपको हम डिफरेंस के फॉर्म में मैं बताऊंगा। तो आपको सारी चीजें ना याद होती जाएंगी। बस आपको एक काम करना है कि जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो आपको तुरंत के तुरंत एनसीईआरटी पढ़नी है। आज हम जो पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो कॉर्क कैम्बियम से जस्ट ऊपर तक का पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में जो पहली पॉइंट आपको याद रखना है कि एपिडर्मिस यहां भी सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर, और यहां पर भी सिंगल लेयर है। सर आप तो बोल रहे थे डिफरेंस के फॉर्म में बताएंगे, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां पर ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम अभी पढ़े थे, ट्राइकोम कहीं याद आ रहा है? सब्सिडरी सेल्स का पार्ट थे ट्राइकोम और रूट हेयर। तो ट्राइकोम कैसे थे? मल्टी सेल्यूलर थे, और काम क्या था इनका? ट्रांसपिरेशन लॉस को प्रिवेंट कर रहे थे, और सिक्रेशन थे इनके, मतलब सिक्रेट करते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर ट्राइकोम क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट, और यहाँ पर ट्राइकोम क्या है? एब्सेंट है ट्राइकोम। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मिटा देता हूँ मैं इसको। ठीक, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ट्राइकोम एब्सेंट, जिससे नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जस्ट एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर है। याद अगर आपको थोड़ा बहुत होगा, जब हमने बेसिकली सिंपल टिश्यूज पढ़ रहे थे तब हाइपोडर्मिस की जब हमने बात की थी, सॉरी कोलेनकाइमा की हमने जब बात की थी और स्क्लेरेनकाइमा की हमने बात की थी, डिफरेंसेस देखे थे, तो वहां पर भी मैंने बोला था कि हाइपोडर्मिस जो डाइकोट स्टेम में है वो कैसी होती है? कोलेनकाइमेटस। क्या काम करती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। क्या काम करती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जहां जरूरत होती है तो वहां पर ये आपको फोटोसिंथेसिस भी करवा लेती है, लिविंग होती है ये। ठीक है, और मोनोकॉट स्टेम की बात की थी, यहां पर क्या होता है? ये स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉर्टेक्स की। ठीक है, कॉर्टेक्स की हम बात करते हैं, तो कॉर्टेक्स में यहां पर तो कॉर्टेक्स है, मतलब प्रेजेंट भी है। ये प्लस का साइन का मतलब प्रेजेंट के लिए मैं बोलता हूं। ठीक है, और कैसा है? पेरेनकाइमेटस है। यहां भी पेरेनकाइमेटस है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सुनिएगा, प्रॉब्लम ये है कि वेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में मोनोकॉट स्टेम में कई सारी जो लेयरिंग है ये प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहां पर पेरेनकाइमेटस तो है और प्रेजेंट भी है, पर वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स मिलता ही नहीं है। वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पूरा कॉर्टेक्स वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, पूरा का पूरा पेरेनकाइमेटस होता है, ग्राउंड टिश्यू में फैला होता है। तो ये बेसिकली ग्राउंड टिश्यू होता है, मतलब अलग अलग आप लेयरिंग नहीं बता सकते, सब एक जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो एंडोडर्मिस की। तो एंडोडर्मिस में एक पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। एंडोडर्मिस को हम बोलते हैं स्टार्च शीथ। कहां के एंडोडर्मिस को? डाइकोट स्टेम, स्टार्च शीथ। क्यों ऐसा बोल रहा हूं अभी बताऊंगा। अब बात समझिए, यहां पर प्रेजेंट है पहली चीज, सिंगल लेयर है, रिच है स्टार्च ग्रेन्स में, रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, इसीलिए हमने क्या बोल दिया? स्टार्च शीत बोल दिया। अब ये पॉइंट मतलब बहुत इजी है, लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट वैसे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें कि ऑल
parts below endodermis, endodermis, चाहे वो क्या हो, पेरिसाइकल हो, वैस्कुलर बंडल हो, पेथ हो, ये कंस्टिट्यूट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टील। आपकी वो वाली स्टील की स्पेलिंग नहीं है जो आप पढ़ते हैं, एस टी ई एल ई स्पेलिंग है, एस टी डबल ई एल या फिर एस टी ई एल नहीं है, एस टी ई एल ई स्पेलिंग है, याद रखिएगा। तो पहली चीज क्या है, प्रेजेंट है, सिंगल लेयर है और रेचे किसमें, स्टार्च ग्रेन्स में, और जितने भी पार्ट्स होते हैं एंडोडर्मिस के नीचे, चाहे वो पेरिसाइकल हो, वेस्कुलर बंडल हो, चाहे पेतो, वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, स्टील कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि एंडोडर्मिस वेल डिफरेंशिएटेड या नहीं होती है, या फिर आप बोल ले एब्सेंट होती है, ठीक, याद है या ये चीज क्लियर हो गई शायद। तो 1, 2, 3, 4 चार पॉइंट हम देख चुके हैं, पांचवा पॉइंट है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल की अगर हम बात करें, पहले मैं मोनोकॉट स्टेम की करना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि वहां पर एब्सेंट होती है, तो पेरिसाइकल यहां पर एब्सेंट है। और ये पॉइंट मैं मिटा दूं तो ज्यादा अच्छा रहे, सबने नहीं लिखा हो तो एक बार लिख लीजिए जल्दी से, या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं पेरिसाइकल की, तो पेरिसाइकल मोनोकॉट में तो एब्सेंट हो गई, ठीक है, अप टू मेडुलरी रेज सब कुछ एब्सेंट रहता है। अगर मैं एक सिंपल सा आपको फंडा बताऊं, मेडुलरी रेज भी यहाँ पर एब्सेंट रहेंगी, तो यहाँ पर ये सब एरो क्रॉस के लगा लीजिए, ठीक। अच्छा, पेरिसाइकिल की हम बात करें तो पेरिसाइकिल यहाँ पर कैसी होती है, स्क्लेरेन काइमेटस होती है, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है आपको, स्क्लेरेन काइमेटस होती है। और ये कहाँ है, ये बेसिकली एंडोडर्मिस के नीचे, ऐसा फ्लोयम है, फ्लोयम के ऊपर एंडोडर्मिस के नीचे बीच की लेयर है, स्क्लेरन काइमेटस है। और ये बेसिकली फंक्शन ही क्या होता है कि जो आपके वेस्कुलर बंडल है ना उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम होता है इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, इसके बाद ये लिख लीजिएगा कि फ्लोयम के ऊपर है, मतलब अबव फ्लोयम एंड बिलो आपका एंडोडर्मिस, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होती है। मेडुलरी रेस की बात करें तो यहां पर प्रेजेंट भी होती है और पेरेनकाइमेटस होती है, कैसी होती है, पेरेनकाइमेटस। अब आपको शायद ये चीज रियलाइज हो रही होगी जो मैंने बोला था कि मैक्सिमम पोर्शन किस चीज का बना होता है, पेरेनकाइमा का बना होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलेंगे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में आपको क्या याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वेस्कुलर बंडल की, सुनिएगा इसको। वेस्कुलर बंडल अब यहां पर प्रेजेंट भी है, यहां पर भी प्रेजेंट है, और ये आपको याद भी है वैसे, यहां पर कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप के होते हैं, याद आ रहा है किसी को, डाइकोट है, क्योंकि क्या है, डाइकोट, तो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और ओपन होंगे, ठीक है। यहां पर कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज्ड होंगे, क्यों, क्योंकि मोनोकॉट है। अच्छा, अब एक और चीज समझिएगा, आई एम सॉरी, एक और चीज समझिएगा, यहां पर जो है एंडार्क कंडीशन देखने को मिलती है, याद है किसी को एंडार्क कंडीशन, तो प्रोटोजाइलम कहां होता है एंडार्क कंडीशन में, एंडार्क कंडीशन में प्रोटोजाइलम होता है पिथ की तरफ, सेंटर की तरफ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, और यहां क्या देखने को मिलेगा आपको, अब ये एक डाउट क्रिएट होता है लोगों के दिमाग में कि यहां कौन सी कंडीशन हमको देखने को मिलेगी, तो हम ये कंडीशन समझते हैं, यहां पर भी आपको एंडार्क ही देखने को मिलेगी, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब दोनों जगह ही एंडार्क है तो फिर डिफरेंस क्या है, एंडार्क तो हमने बोला था ना स्टेम में, जो भी स्टेम होगी उसमें कैसा मिलेगा आपको एंडार्क कंडीशन, डिफरेंस समझिए, डिफरेंस ये यहां पर प्रेजेंट होते हैं ये वेस्कुलर बंडल रिंग लाइक मैनर में, किस मैनर में, रिंग लाइक मैनर में, और यहां पर होते हैं स्कैटर्ड, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, यहां पर जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं कंपैरेटिवली टू स्मॉलर, मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, अगला देखते हैं हम, ठीक है, अगला पॉइंट जो ये वाला आप समझ गए होंगे, ये ओपन होता है, ये क्लोज्ड होता है, बाकी पॉइंट आपने आई होप लिख लिए होंगे या समझ लिए होंगे, उनको नोट जरूर कर लीजिए जो भी आप बना रहे हैं उसमें, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, आपके पास जगह की कोई कमी नहीं है, ठीक है। पित्त की अगर हम बात करते हैं तो पित्त भैया यहां पर प्रेजेंट है
और आपके कैसा है यहाँ पर पेरेन्काइमेटस है, प्रेजेंट भी है और पेरेन्काइमेटस है, ठीक है। और जो आपकी मोनोकॉट स्टेम है वहां क्या है, ये एब्सेंट है, ठीक है, ये आपको याद रख रहा है। ऐसे ही अगर हम कैम्बियम की बात करते हैं तो कैम्बियम में यहाँ पे आपकी जो डाइकोट स्टेम है यहाँ पे तो प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट है। ऐसी सेकेंडरी ग्रोथ जब यहाँ पर कैम्बियम है तभी तो यहाँ ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर होगी और यहाँ पर नहीं होगी, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हम डिफरेंस देखेंगे वो डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट में देखेंगे। बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं उस पोर्शन को भी। यहां से कुछ पॉइंट्स हटा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो जो हम डिफरेंस देखने अब जा रहे हैं वो बेसिकली किसके बीच में जा रहे हैं, डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मिस दोनों ही जगह कैसी होती है, सिंगल लेयर, दोनों ही जगह कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। कॉर्टेक्स की हम बात करें तो भाई कॉर्टेक्स दोनों ही जगह कैसा होता है आपका, पेरेन्काइमेटस होता है। ठीक है दोस्तों, एंडोडर्मिस पे आते हैं। एंडोडर्मिस काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पे। एंडोडर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट तो है ही है, साथ में क्या होता है कि यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है वो होता है आपका सिंगल लेयर्ड। कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड, अब समझिएगा, सिंगल लेयर्ड यहाँ भी है और सिंगल लेयर्ड यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंगल लेयर्ड होने के साथ साथ यहाँ कैसी होती है, बैरल शेप की सेल्स होती हैं। कैसी, बैरल शेप की, बैरल शेप सेल्स होती हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं और ऐसा क्यों होता है, बेसिकली यहाँ डिपोजिशन होता है सुबेरिन का, ये वैक्सी इम्परमिएबल सब्सटेंस होता है, वैक्सी इम्परमिएबल, वैक्सी इम्परमिएबल सब्सटेंस होता है सुबेरिन, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं और ये बैरल शेप की सेल्स होती हैं, ठीक। और ये फंक्शन क्या करती है, बेसिकली इसको इम्परमिएबल बनाती है जिससे वाटर का लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है, ट्रांसपिरेशन लॉस में बेसिकली, ठीक है। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम भी करती है ये, तो ये बेसिकली एंडोडर्मिस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की अगर हम बात करें तो यहां पर ये मतलब बेसिकली पेरिसाइकिल करता क्या है, पेरिसाइकिल जो सेंटर में यहां से लेटरल रूट्स निकलती हैं, तो यहां पर इट गिव राइज टू लेटरल रूट्स एंड लेटरल रूट्स के अलावा यहां से वैस्कुलर कैम्बियम भी जाती है। क्या जाती है, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो वैस्कुलर कैम्बियम की बात भी आपको यहां याद रखनी है, क्योंकि ये दो चीजों को मतलब यहां से बेसिकली निकल रही हैं और यहां पर एक ही चीज निकलने वाली है, इट गिव राइज टू ओनली लेटरल रूट्स, किसने, मोनोकॉट रूट्स में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर ये होता है कि वैस्कुलर कैम्बियम कब निकलती है, बेसिकली एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी जाइलम से, द टाइम नहीं, सेकेंडरी जाइलम से निकलने वाली है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। वैस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो दोनों ही जगह रेडियल रूट्स होंगी, मतलब रेडियल टाइप का होगा, रेडियल,
डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, पहली चीज यहाँ आपको जो कंडीशन देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है कि जो रेडियल रूट्स है, यहाँ पे जो आपको कंडीशन देखने को मिलती है वो ये है कि रेडियल रूट्स में आपको डायआर्क से लेके टेट्रार्क कंडीशन देखने को मिलती है, टेट्रार्च, और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है मोर देन सिक्स वेस्कुलर बंडल। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलता है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में। पिथ की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल होती है, इनकॉन्स्पिशियस होती है, ये याद रखिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकॉन्स्पिशियस, और यहाँ पे लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आती है कैम्बियम की बात, तो ऑब्वियसली रूट में कैम्बियम होगी क्या? कैम्बियम होगी क्या? यहां पर तो प्रेजेंट होगी, डाइकॉट है, यहां पर भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहां पर नहीं होगी। तो ये पॉइंट्स आपको एज इट इज क्लियर दिमाग में रखने हैं। तो इसके बाद हम जो देखेंगे वो हम डिफरेंसेस देखेंगे बेसिकली डाइकॉट लीफ में और मोनोकॉट लीफ में। चलिए वो भी स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। I'm sorry, मैंने शायद यहाँ पे ये जो जाइलम लिखा है इसको ध्यान से देखिएगा, जो वेस्कुलर कैम्बियम बन रहा है ये बेसिकली एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, इसको नोट कर लीजिएगा दोबारा से अच्छे से, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ये वेस्कुलर कैम्बियम तभी होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, मैं बहुत रिफाइन करके ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एज इट इज़ याद रख के एनसीईआरटी तुरंत के तुरंत रीड कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में आपको क्लियर नहीं होगा ये चैप्टर, बहुत लोग परेशान रहते हैं इस चैप्टर से। चलिए तो सबसे पहले फीचर्स लिख लेते हैं, अपीयरेंस, नंबर ऑफ स्टोमेटा, शेप ऑफ गार्ड सेल, बुलीफॉर्म सेल, ठीक है दोस्तों, मेसोफिल, वेनेशन, लास्ट अब देखेंगे बंडल शीट सेल। ठीक है दोस्तों, इतने पॉइंट हमको डिस्कस करने हैं, किसके, डाइकॉट लीफ या फिर मोनोकॉट लीफ, सॉरी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला कि इनको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल, इनको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, ठीक है, इनको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, इनको हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये कैसी दिखती है, ये डार्क होती है ऊपर साइड में, डार्क होती है कहां पे, ऊपर साइड में, ठीक है, अपर सरफेस पे, ठीक है, कंपैरेटिवली लोअर सरफेस के डार्क होती है अपर सरफेस पे, या फिर बोल दीजिए डार्क का मतलब ये ग्रीन ज्यादा होंगी ऑब्वियसली, ये अपर पे, और लोअर सरफेस कैसी होगी, कम डार्कर, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ये पॉइंट है, दूसरा मोनोकॉट, ये आपको सिमिलर दिखेंगी, मतलब आइस नाम से ही समझ लीजिए, डॉर्सी वेंट्रल है वहां आइसोबाइलेटरल है, मतलब लीफ पे जो आपकी सनलाइट पड़ रही है वो बिल्कुल बराबर पड़ रही है, तो वहां पे आपको मतलब ऐसा नहीं दिखेगा, डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा, वहां सेम दिखेंगी
अपर एंड लोअर साइड पे, ठीक है दोस्तों। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, बस मैं एक यह वाला पॉइंट लिख देता हूं, अपर सरफेस ग्रीन, यहां सिमिलर। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर ऑफ स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टोमेटा यहां कितने होंगे, यहां लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं, ठीक है दोस्तों, और यहां पे इक्वल होते हैं, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन है नहीं यहां पे। ठीक, चलिए गार्ड सेल की शेप की बात करें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई बताना चाहेगा? हमने बात की थी यहां कैसा होता है, बीन शेप या रेनिफॉर्म शेप, और यहां कैसा बताया था, डंबल शेप। ठीक है दोस्तों, चलिए बुलीफॉर्म सेल, तो बुलीफॉर्म सेल यहां पर आपकी जो डाइकोट लीफ है यहां पर नहीं होंगी। बुलीफॉर्म सेल आपने देखी होंगी, सबने प्याज देखी है, जो बिल्कुल ताजी प्याज आती, नई प्याज आती, ग्रीन प्याज, उसमें भी एक बहुत पाइप जैसे स्ट्रक्चर निकला होता है, उसको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये प्रेजेंट होंगी। चलिए मीजोफिल की बात करते हैं, तो मीजोफिल यहां पे डिवाइड रहता है, डिफरेंशिएटेड रहता है पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, कहां पे, डाइकोट लीफ में, डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड या फिर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, या फिर नहीं एंड कर देती स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, यहां पर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिलता, डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। वेनेशन की बात करें तो सबको पता है डाइकोट लीफ में वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। कैसा वेनेशन होता है, यही लिख दे रहा हूं, एक सेकंड इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, रेटिकुलेट वेनेशन। और यहां कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने। इसके बाद बात करते हैं हम बंडल शीथ सेल की, तो बंडल शीथ सेल के अंदर यहां पर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, यहां पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। ये पॉइंट आपको याद रखने एज इट इज, इससे ज्यादा आपसे कभी कोई किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इन पॉइंट्स को याद रखना है आपको, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अपीयरेंस अपर वहां पर सरफेस ग्रीन होती है, वहां पर सिमिलर होती है। नंबर ऑफ स्टोमेटा की बात करें तो लोअर सर्फेस पे ज्यादा है, वहां इक्वल है दोनों सर्फेसिस पे। गार्ड सेल की शेप की बात करते हैं, बीन शेप या रेनिफॉर्म शेप है, वहां पर डम्बल शेप है, बुलीफॉर्म सेल यहाँ पर एबसेंट है, वहां प्रेजेंट है, मीजोफिल यहाँ डिफ्रेंशिएटेड है, किसमें, पेलिसिड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, वहां डिफरेंशिएशन नहीं है। वेनेशन की बात करते हैं, रेटिकुलेट है, वहां पैरेलल है। बंडल शीट सेल की बात करें, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। दोस्तों देखने में ये बहुत इजी लग रहा होगा, पर ये इजी तब लग रहा है जब मैंने पढ़ाया है। आप जब एनसीईआरटी से देखेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ इसको देखते ही एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में सच में वो चीज टफ लगेगी और आपको याद भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम डिस्कस करेंगे वुड के बारे में। वुड से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा एनुअल रिंग के बारे में। वुड से पहले जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जो पॉइंट यहां पे बताना चाहूंगा वो सबसे पहले पॉइंट है एनुअल रिंग। जब तक एनुअल रिंग नहीं समझ में आएगी तब तक हमको वुड पढ़ने का कोई सेंस नहीं निकलने वाला है। ठीक है, एनुअल रिंग होती क्या है, बेसिकली क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से कुछ रिंग्स बन जाते हैं। आपने कभी कटा हुआ पेड़ देखा है, लाइक ये पेड़ इस तरह से, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ है, ठीक है, तो ये पेड़ मान लीजिए इस तरह से, इसको जब आप कट करेंगे और इस तरह से देखेंगे तो कुछ आपको लेयरिंग दिखती है,
जब आप इंडिया में पेड़ देखेंगे तो आपको दिखेगी, लेकिन अगर आप फॉरेन में कहीं रह रहे हैं या फिर आप ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ हमेशा टेम्परेट कंडीशन है, मतलब ठंड पड़ती है तो ठंडी पड़ती है साल भर, गर्मी है तो गर्मी ही है, ऐसा का अगर कोई सीज़न है तो वहाँ आपको ये नहीं मिलेंगी। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट कि ये ट्रॉपिकल एरियाज में तो आपको दिखेंगी, ट्रॉपिकल एरियाज में। आई एम सॉरी दोस्तों, कैमरा ऑफ हो गया था हमारा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ट्रॉपिकल एरियाज में तो ये दिखेंगी, पर टेम्परेट एरियाज में नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखती हैं? रीज़न ये होता है कि यहाँ पर सीजनल वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है ना, हमारे यहाँ सीजनल वेरिएशन होते हैं, कभी ठंड, कभी बरसात, कभी गर्मी, ठीक है। और ये बेसिकली जो टेम्परेट एरिया, मतलब ये जो है, इनमें सीजनल वेरिएशन क्या होता है, एबसेंट होता है। इसलिए यहाँ पर आपको एनुअल रिंग का फॉर्मेशन भी नहीं देखने को मिलता है, पहली चीज। दूसरा, दो टाइप की वुड आपको पढ़नी रहती है इसके अकॉर्डिंग। एक आप पढ़ते हैं स्प्रिंग वुड और दूसरी आप पढ़ते हैं ऑटम वुड, ठीक है दोस्तों। तो ये दो पार्ट आपको पढ़ने रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और समझिएगा, लोग कंफ्यूज रहते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, रूट्स में क्या आपको देखने को मिलेगा एनुअल रिंग फॉर्मेशन? नहीं मिलेगा। जिनने भी आंसर नहीं में बोला है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ये पूरे टाइम तो जमीन के अंदर है, एक ही तरह का सीजन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक टर्म आता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? ये ब्रांच की वो, मतलब ये साइंस की वो ब्रांच है, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनुअल रिंग्स के नंबर को काउंट करके पेड़ की एज बताते हैं, याद रखिएगा। पॉइंट नाम बता देता हूं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है दोस्तों। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी एस्टिमेट एज ऑफ प्लांट बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आपको अगर क्लियर हो गया तो हम डिफरेंस देखना स्टार्ट करते हैं किसके बीच में, आपकी जो क्या नाम है इनका, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड के बीच में। चलिए, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड में पहला पॉइंट, ठीक है दोस्तों। पहला पॉइंट आपको, मैं पहले स्प्रिंग वुड के पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिक ऑटम वुड के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं बेसिकली आपको ये याद करवाना चाह रहा हूँ, मतलब अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। मैं याद करवा दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। स्प्रिंग वुड, इट फॉर्म्स अर्ली इन फेवरेबल सीजन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट हैज लार्जर एंड वाइडर एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, ये मेन पार्ट बनाता है। दो पॉइंट मैंने बताए, पहला बोला है कि ये फेवरेबल सीजन के अर्ली पार्ट, जो भी फेवरेबल सीजन आता है उसके अर्ली पार्ट में जो बनती है वो बेसिकली स्प्रिंग वुड बनती है। दूसरा मैंने पॉइंट बोला है कि ये इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पास हो रहे हैं वुड वाले, वो लार्ज होते हैं और वाइड होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे समझ लीजिए कि जो एनुअल रिंग थी, उन एनुअल रिंग का मेजर पोर्शन जो है वो यही बनाता है। तो ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स मेजर पोर्शन ऑफ एनुअल रिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी डेंसिटी कम होती है, इट हैज लोअर डेंसिटी। इसके बाद फाइबर्स का नंबर कम होता है यहां पे, फाइबर्स आर फ्यू। नेक्स्ट पॉइंट, जब फाइबर कम है, डेंसिटी कम है, तो इनकी जो, मतलब बेसिकली कलर होता है वो लाइट होता है, इट इज
lighter in color. लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो इनके जो ट्रेकेरी एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं ट्रेकेरी एलिमेंट्स, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. जो ट्रेकेरी एलिमेंट्स हैं बेसिकली, तो यहाँ जो ट्रेकेरी एलिमेंट्स हैं ये कम थिकेंड होते हैं, इज लेस थिक. ये सात पॉइंट आपको याद रखने, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ अभी. स्प्रिंग वुड का, स्प्रिंग वुड में इट फॉर्म अर्ली इन फेवरेबल सीजन. अर्ली, ये दो पॉइंट आपको, एक मैं कलर चेंज कर देता हूं मैं, अर्ली और फेवरेबल सीजन, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है. इसमें आपको रखना है लार्जर और वाइडर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. ये मेजर पोर्शन बनाता है किसका, एनुअल रिंग का. चौथा पॉइंट, लोअर डेंसिटी है, फाइबर्स फ्यू है, लाइटर है कलर में और लेस थिकंड है, ठीक है. ट्रेकेरी एलिमेंट ये पॉइंट होगा. इसके नेक्स्ट आता है आपका ऑटम वुड. ऑटम वुड में आपको जो याद रखना है, पहला पॉइंट समझिएगा, यहां पर अर्ली था, यहां पर क्या होता है जस्ट बिफोर अनफेवरेबल सीजन. ये पॉइंट इकलौता आपको ढंग से याद रखना है, बाकी सब आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है. यहां लार्जर एंड वाइडर है तो वहां पर कैसे हो जाएंगे, स्मॉल एंड नैरो. यहां पर मेजर पोर्शन बनाता है तो यहां पर नैरो पोर्शन बनाता है, स्ट्रिप के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. किसके फॉर्म में, स्ट्रिप्स के फॉर्म में, ठीक है. यहां लोअर डेंसिटी है तो यहां हायर डेंसिटी होगी. यहां फ्यू है, यहां पर लार्ज नंबर में होंगे फाइबर्स. लाइटर कलर है, यहाँ पर डार्क कलर होगा. ट्रेकेरी एलिमेंट लेस थिकेंड है या मोर थिकेंड होंगे. आई होप याद करने में किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ना हुई होगी, ठीक है दोस्तों. अगला हम डिस्कस करते हैं हार्डवुड और सैपवुड. एक पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें, कि जब तक एनुअल रिंग ना क्लियर हो जाए तब तक मत पढ़िएगा, नहीं तो आपको एनुअल रिंग के बाद जब तक वुड का पता ही नहीं लगेगा कि क्यों बन क्यों रही है वुड, ठीक है. सैप वुड और हार्ट वुड. इसको हार्ट वुड क्यों बोला है, इसका रीजन भी आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है. सैप वुड का हम एक और नाम देते हैं एल्बर्नम. इसको हम देते हैं ड्यूरामन. एल्बर्नम और ड्यूरामन, ठीक है दोस्तों. अच्छा अब समझिएगा बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं. पहला पॉइंट, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ ओल्ड स्टेम. जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है, आउटर पार्ट ऑफ ओल्ड स्टेम, ठीक है. ये क्या होता है, इट इज द सेंटर पार्ट या सेंट्रल पार्ट. हार्ट का होता है सेंटर में होता है ना, इसीलिए हार्टवुड बोला है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ओल्ड स्टेम. पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है. दूसरा, इट इज लिविंग. इट इज लिविंग, ठीक है. और ये लिविंग नहीं होता है, नॉट लिविंग. और ये बेसिकली ये नॉन फंक्शनल पार्ट होता है किसका, सेकेंडरी जाइलम का. ये किसका नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ठीक है दोस्तों. अच्छा इसके अलावा यहां पर जो आपको देखने को मिलेगी कंडीशन, यहां पर आपको जो बेसिकली ऐसे कह लीजिए ये लाइटर होंगे, ये आपके कैसे होंगे, डार्क होंगे, ठीक है. यहां पर जो वुड है
उसका वेट कम होगा। वुड कैसी है आपकी, लाइटर, या मैंने कलर के हिसाब से बोला है। यहाँ पर जो वुड के बोल रहा हूँ मैं, वो मतलब हैवीनेस और मतलब लाइटनेस के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो वुड कैसी है, लाइट है। यहाँ पर वुड कैसी है, हैवी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेकेरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन ट्रेकेरी एलिमेंट्स में टाइलोसिस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ट्रेकेरी एलिमेंट्स में टाइलोसिस नहीं होते। टाइलोसिस बेसिकली होते क्या है, जैसे ये स्टेम बनाइए तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, रोक देते हैं कोई भी चीज़ अगर, मतलब बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि बेसिकली यहाँ पर ये जो टाइलोसिस प्रेजेंट है, ये कुछ भी अगर पास हो रहा होगा तो इसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, तो यहाँ पर मतलब सॉरी, जो टाइलोसिस है ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, टर्म यूज किया जाता है इट इज प्लग्ड बाय टाइलोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये लेस ड्यूरेबल है और ये मोर ड्यूरेबल है। क्यों, ऐसा क्यों भाई, एक ड्यूरेबल ज्यादा एक कम, क्योंकि ये पैथोजन से ससेप्टिबल है अटैक होने का, मतलब पैथोजन इस पर ज्यादा अटैक कर सकती है, क्योंकि हर चीज आप देख रहे हैं ना, लाइट है, लिविंग है, वो डेड है, उस पर पैथोजन क्या अटैक करेगा, लिविंग पे, सॉरी नॉन लिविंग पे। और एक चीज याद रखिए, मैंने शायद लिखी नहीं है कि ये फंक्शनल पार्ट बनाएगा। ठीक है, फंक्शनल पार्ट बनाएगा ये। चलिए तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज देखते क्या क्या पढ़ा हमने। सैपवुड में सबसे पहला पॉइंट, इसको एल्बर्नम भी बोलते हैं, हार्डवुड को हम ड्यूरामिन भी बोलते हैं। ये आउटर पार्ट बनाता है ओल्ड स्टेम का, ये सेंट्रल पार्ट बनाता है ओल्ड स्टेम का। ये लिविंग है और फंक्शनल पार्ट बनाता है, नॉन लिविंग है और नॉन फंक्शनल पार्ट बनाता है सेकेंडरी जाइलम का। ये लाइटर कलर का होता है, ये डार्कर होता है। इसकी वुड जो है तो हल्की होती है, यहाँ हैवी होती है वुड। ट्रेकेरी एलिमेंट्स में टाइलोसिस प्लग्ड नहीं होते हैं, नॉट प्लग्ड बाय टाइलोसिस, यहाँ पर टाइलोसिस प्रेजेंट है। ठीक है, प्लग्ड बाय टाइलोसिस। ये लेस ड्यूरेबल है क्योंकि पैथोजन से ससेप्टिबल है अटैक के लिए, और ये मोर ड्यूरेबल है। ये पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट टर्न पर हम बेसिकली जो सेकेंडरी ग्रोथ का पोर्शन हमारा बचा हुआ है, कॉर्क कैम्बियम वाला, वो कंप्लीट करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर हम एंड भी कर देंगे इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा ये पोर्शन, ये वीडियो देखने के बाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।